दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा T20 मुकाबला खेला गया जहां पर टीम इंडिया की यहां पर हार हुई है। वेस्टइंडीज की टीम ने 1-0 से पीछे होने के बावजूद भी सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है और अब फाइनल मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया मैच हारी जरूर, लेकिन इस मैच से टीम इंडिया के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, वो ये कि शिवम दुबे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी कुछ कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी मौके दिए गए शिवम दुबे के लिए फ्लॉप साबित हुए हैं। लगातार 2 सीरीज में ये खिलाए जा चुके थे लेकिन फ्लॉप साबित हो रहे थे, लेकिन इस मैच में इनका प्रमोशन किया गया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन विराट कोहली की जगह पर नंबर 3 पर इन्हें बैटिंग करने के लिए भेजा गया और जहां पर कहीं ना कहीं शुरुआत में तो ये फंसते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद जब 1-6 इन्होंने लगाया है, इसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया है। 3 चौके और 4 सिक्सेस की मदद से 54 रन इन्होंने बनाए हैं। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में पहली इनकी ये हाफ सेंचुरी है और इन्होंने बता दिया है कि एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ये काफी कुछ कर सकते हैं। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। इनकी पारी को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जब तक विराट कोहली क्रीज पर नहीं थे उस समय ये कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन विराट कोहली के क्रीज पर आते ही शिवम दुबे ने बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दिया और विराट कोहली से जो इनका डिस्कशन हुआ था उसके बाद से लो रिस्क शॉट ये खेल रहे थे और ज्यादा से ज्यादा रन बना रहे थे। तो इन्होंने आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कहा है और पूरा श्रेय विराट कोहली को दिया है और कहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनकी ये पारी रही है 180 के स्ट्राइक रेट के साथ, विराट कोहली का अहम रोल रहा है, उनकी गाइडेंस का, उनके सपोर्ट का। तो फटाफट विराट कोहली के लिए, शिवम दुबे के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख ले ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।